दो महीने पहले की बात है शास्त्री जी, मैं घर से निकलने लगा तो मेरी श्रीमती जी कहती है कि गर्मी का टाइम है कुछ खाने पीने का ले जाओ। मैंने कहा यार को मैं बच्चा थोड़ा ना हूं, फिर भी जबरदस्ती उसने दो बिस्कुट के पैकेट मेरे बैग में डाल दिए। स्टेशन पे जाके बैठ गया मैं, ट्रेन आई नहीं थी तब, दोपहर 11:30 बजे का टाइम, छोटी सी लड़की उसके साथ एक छोटा सा लड़का, भैया ये होगा उसका, अंकल जी पेन ले लो। मैंने कहा बेटा मैं तो रिटायर्ड टूर हो चुका, पेन मुझे चाहिए नहीं, घर में पड़े वही फालतू हो रहे। कहते नहीं अंकल ले लो ना। मैंने कहा बेटा मेरे किसी काम का नहीं, तो मुंह लटका के कहती है अगर किसी काम का नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब। कहती है अंकल अगर आप ये पेन नहीं खरीदोगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो कुछ खाने को नहीं होगा, सुबह से भूखे मर रहे हैं। छोटा सा उसका भाई साथ में, मुझे बड़ी दया आई। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू पेन भी रख ले और ले खाने के लिए। मैंने बैग में हाथ डाला तो कितने बिस्कुट के पैकेट थे, मैंने एक छोटे बच्चे को दे दिया, एक उसको दे दिया। पता है गुड़िया क्या बोली, उसने अपना पैकेट वापस दे दिया मेरे को। नहीं नहीं अंकल हम बांट के इसे एक में से ही खा लेंगे। मैंने कहा बेटा तू इसको क्यों नहीं खा ले। कहती नहीं नहीं आपने हमारे बारे में सोचा और आप भूखे मरोगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा, इसलिए हम एक में से ही बांट लेंगे, ये पैकेट आप खा लेना। छोटी सी बच्ची, कितना बड़ा दिल था। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा छोटा सा है, छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी शिक्षा दे जाए।